22-23 साल में ही वो भूतपूर्व कहला जाएगा। यदि 4 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके परिवार को नौकरी मिलेगी? इन्हीं ने माननीय ने कहा कि इजराइल के तर्ज पर, अरे भाई इजराइल अलग है, इंडिया अलग है। आर्मी का पेंशन हटा देना चाहते हैं भाई, माननीय सांसद माननीय विधायक जी, ये सब का पेंशन कब हटेगा भाई? हुनर जो जैसे था आर्मी भर्ती में वैसे ही रहने दें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, सेना बहाली प्रक्रिया में जो बड़ा बदलाव किया है, उससे युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर तोड़फोड़ की जा रही है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन देश की सेना में काम करने के लिए क्या महज 4 साल के लिए युवा तैयार होंगे? और केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, अग्निपथ योजना की शुरुआत होने जा रही है अगस्त महीने से, तो इस योजना से क्या युवाओं को फ़ायदा मिलेगा? और जिन्हें फिर नौकरी से हटा दिया जाएगा वो क्या करेंगे? इस वक्त जब युवाओं की बात हो रही है तो जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू रणवीर हैं। बात युवाओं की हो रही है, युवा शान से सेना में जाते हैं, अपना काम करते हैं, क्या लगता है सेना में जाने की जब बात हो रही है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अगले 1.5 सालों में 10 लाख नौकरियाँ देंगे, और अब ये अग्निपथ योजना। सबसे बड़ी बात कि अग्निपथ योजना जो है, जो तो है, उसकी बड़ाई या बुराई क्या हो रही है वो देश के युवा ने दिखा दिया। आप 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां की बात करती है, आज 8 साल की उपलब्धि के लिए हर जगह होर्डिंग लगा हुआ है। 8 साल में आप पर साल 2 करोड़ के हिसाब से 16 करोड़ नौकरियां और रोज़गार कहाँ गई, ये तो बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे स्टेज पर वोट मांगते समय इन्होंने कहा कि 1 साल में 2 करोड़ हम रोज़गार देंगे, नौकरियां देंगे, ख़त्म। अब जब देश की आन बान शान, देश के वो वीर सपूत जो सरहद पर शहीद भी होते हैं, तो उनके गांव में दिवाली मनती है, वैसे प्रतिष्ठित जगहों पर, संवेदनशील पर, उसे भी प्राइवेटकरण करने पर तुर गए। नहीं, ये प्राइवेट काम थोड़ी कह रहे, तो 4 साल के लिए युवाओं को। पहली बात, सीधा सीधी बात है कि 4 साल के बाद उसका क्या होगा? 22-23 साल में ही वो भूतपूर्व कहला जाएगा। यदि 4 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके परिवार को नौकरी मिलेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या उसको पेंशन मिलेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? 4 साल बाद वो करेगा क्या? क्योंकि 4 साल तो सर आर्मी का जॉब किया है भाई, ट्रेनिंग किया है, गोली बंदूक चलाना सीखा है, कलम चलाना तो सीखा नहीं है, तो अदर जगह नौकरी भी उसको नहीं मिलेगी। तो ये 4 साल का कहीं ना कहीं इनका योजना जो है ये फेलुअर है देश में। सरकार का कोई सीक्रेट मिशन है जिसे वो पूरा करने के लिए और भर्तियां कर? कोई सीक्रेट मिशन नहीं, भारत में क्या सीक्रेट मिशन होगा? जहाँ इसराइल की बात है, जहाँ किन्हीं ने माननीय ने कहा कि इसराइल के तर्ज पर, अरे भाई इसराइल अलग है, इंडिया अलग है, इसराइल में सब ऑटोमेटिक है, इंडिया में सब ऑटोमेटिक नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए। और उसमें भी बिहार और बिहार जैसे जैसे बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जिनकी स्थिति क्या है, गांव देहात में दुनिया से छिपी हुई नहीं है। तो आप इस बात को मानते हैं ना कि युवा जो आक्रोशित हो रहे हैं, आप इस बात को मान रहे हैं कि वो जायज़ है, सही है? सर, वो अपना गुस्सा क्यों नहीं दिखा है? आप वोट लेते समय प्रतिष्ठित पद पर है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आप वोट लेते समय 2 करोड़ की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, और अचानक 10 लाख पर आ जाते हैं, वो भी 1.5 साल में। अब बिहार के इलेक्शन में आदमी कहता है 20 लाख रोजगार देंगे, अभी तो भाई देश स्तर पर जो आदमी 10 लाख रोजगार की बात करे। युवा का गुस्सा होना जायज़ है, और वो तो गुस्सा ही हुआ है। जो छात्र, आप छात्र के साथ पिछली बार क्या हुआ, छात्र आंदोलन हुआ, अब युवा आंदोलन, बेरोजगार आंदोलन, हरदम आंदोलन ही चलते रहेगा इसमें, क्योंकि कोई भी यहाँ पर सरकार सिर्फ जुमले पर काम कर रही है, धरातल पर उतर नहीं रही है। अंतिम सवाल यही है कि ऐलान तो कर दिया है, तो क्या इसमें स्पष्ट है? हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है, आज भी हम लोगों ने पुतला दहन किया है माननीय रक्षा मंत्री जी का, और ये फैसला और जो ये योजना है ये अपने वापस ले और पुनः विचार करें देश के भविष्य के बारे में, देश के युवा पर देखते हुए, उनके विचारों को देखते हुए फिर से ये योजना लाएं, इसमें तब्दील करके लाएं, इसे अच्छा करके लाएं, या इसे निरस्त कर दें, पुनः जो जैसे था आर्मी भर्ती में वैसे ही रहने दें। देखिए, और इसमें
यदि बदलाव नहीं होता है, वो अपने फैसले वापस नहीं लेते हैं, तो हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन बड़े स्तर पर होगा और उग्र होगा। देखिए, बड़े स्तर पर आंदोलन होगा, उग्र होगा, युवा सुबह से ही कैसा। हाँ, एक मिनट और, कि आप आर्मी का पेंशन हटा देना चाहते हैं। भाई, माननीय सांसद, माननीय विधायक जी, ये सब का पेंशन कब हटेगा? भाई, ये सब का हटाइए, तब जनता आपके साथ है कि चलिए आपने इनको हटाया, इनको भी हटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश के भविष्य है, हमारे युवा वर्ग हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें और अपनी बात को रखें, कोई भी ऐसी संपत्ति को ना जलाएं, कोई भी ऐसे व्यक्ति तक क्षति ना पहुँचाए जिससे कि उनको आए दिन दिक्कत हो या मैंने किसी भी तरह का किसी को परेशानी हो। बस शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करिए और जन अधिकार पार्टी आपके साथ है, और वो दिन दूर नहीं कि भारत सरकार को, केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और फैसला वापस लेना पड़ेगा। बहरहाल, आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।